हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ऑडियो गीक वर्ल्ड में। मेरे सामने आप देख सकते हो स्प्लेंडर प्लस, ये रहा हीरो का बैजिंग और ये रहा स्प्लेंडर प्लस का बैजिंग। तो ओवरऑल जो बाइक का जो डिज़ाइन है उसको टैम्पर बिल्कुल नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हैलोजन का हेडलैम्प मिल जाता है और ये भी बल्ब है, क्लियर लेंस भी नहीं है, ये नॉर्मल लेंस है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी बेसिक है, बट साइड स्टैंड इंडिकेटर इसमें ऐड किया गया है और इंजन मैल फंक्शन का एक ऐड किया गया है, अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला ब्लिंक करेगा। तो ये टेल टेल लाइट्स। इसका जो ओवरऑल स्विचिंग है वो बिल्कुल एवरेज है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, किफ़ायती वाला है। तो आपको हॉर्न, यहाँ पे इंडिकेटर्स और ये हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपका ICS का स्विच और ये स्टार स्विच, ये है इसका फ्यूल टैंक और ये सीट इसका। पीछे और सामने दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन ही नहीं है ऐसे। ये बहुत अच्छी तरह से क्रोम फिनिश किया गया है स्टाइलिश देने के लिए। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो है इसके इंजन में, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है और पावर स्टार्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टार्ट, जिसके वजह से इसका जो फ्यूलिंग है वो काफ़ी बढ़िया होगा अभी, और ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, माइलेज है, वो भी बढ़ेगा। और ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि हर एक BS6 व्हीकल में आया। ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। मैं आपको इसका रियर दिखा दिया, तो ये है इसका टेल लैम्प। टेल लैम्प में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टेल लैम्प है इसमें। और ये है इसका साइड प्रोफाइल, काफी बढ़िया लग रहा है, स्पेशली ये जो कलर है थोड़ा वायलेट टाइप का। यहाँ पे भी बैजिंग है पावर स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन का। इसमें ये है गियर और आपको इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे, तो कमांड ब्रेकिंग सिस्टम भी है इसमें।